हाय फ्रेंड्स, मैं धनंजय पांडे, एमएससी जूलॉजी, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को बायोलॉजी विषय से अवगत कराऊंगा। देखिए, बायोलॉजी क्लास नाइन्थ से अगर लेकर चला जाए तो क्लास नाइन्थ में से बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री विज्ञान विषय के अंतर्गत अलग अलग पढ़ा जाता है, तो इसमें बायोलॉजी विषय में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। बायोलॉजी जो क्लास नाइन्थ का पहला चैप्टर है बायोलॉजी विषय में, और क्लास नाइन्थ और क्लास इलेवंथ का जो पहला चैप्टर है वो आपका है सेल। सेल को क्लास नाइन्थ और क्लास इलेवंथ के पहले चैप्टर में समाहित क्यों किया गया है, थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए इसके विषय में, अच्छा रहेगा। सेल अगर इसकी परिभाषा देखा जाए तो इसे बोलते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचना यानी कि बॉडी बनी कैसे है, चाहे वह प्लांट हो चाहे वह एनिमल्स हो, दोनों के केस में वनस्पति और प्राणी दोनों का जब अध्ययन करेंगे हमको, तो हमको सबसे पहली चीज आती है कि चाहे वनस्पति या फिर प्राणी का निर्माण कैसे हुआ है। तो जो निर्माण की जो प्रक्रिया है, वह निर्माण जो हुआ है, निर्माण होने में जो सबसे छोटा पार्ट है वह है आपका सेल, यानी कि कोशिका। इसी कोशिका से मिलकर के ही पूरा शरीर बना है, चाहे पौधे का हो चाहे प्राणी का हो। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक मिट्टी का घड़ा होता है, आप लोग देखते हैं मिट्टी का घड़ा, आप समझ लीजिए कि पौधा है या फिर मनुष्य का शरीर है, समझ लीजिए। उस मिट्टी के घड़े को बनाने के लिए जिस मिट्टी की जरूरत होती है, वह मिट्टी पहले धूल के रूप में बिखरी हुई होती है। अब वो धूल भी जो होता है, उस धूल में छोटे छोटे कई कण होते हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो उस घड़े को बनने का जो सबसे छोटा पार्ट है वह है उस धूल के बिखरे हुए कण, और वही जो धूल के कण होते हैं हम कह सकते हैं यूनिट, उस घड़े का यूनिट यानी इकाई। ठीक उसी प्रकार से जैव जगत का जब अध्ययन करेंगे जीव के विषय में, तो जो सेल है वह सेल हमारी इकाई होती है शरीर को बनाने का या फिर निर्माण करने का। इसलिए यह जरूरी हो जाता है इस बायोलॉजी में, चाहे हम बॉटनी को पढ़ें या फिर जूलॉजी को पढ़ें, सेल के विषय में जानना जरूरी हो जाता है। और इसीलिए आपके सिलेबस में भी क्लास नाइन्थ में और क्लास इलेवंथ में पहले चैप्टर के रूप में आपको कोशिका दे रखा है। तो चलिए इस कोशिका के विषय में कुछ चर्चा कर लिया जाए। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, साफ साफ लिखा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का ये इकाई है। अभी आपको बता दिया कि यह जीवन की इकाई कैसे है, ये आपको बता दिया, आशा करता हूँ समझ चुके होंगे यह जीवन की इकाई है। डेफिनेशन की बात किया जाए तो डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थात कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। संरचनात्मक मतलब कि जो संरचना बनी है, जो ढांचा बना हुआ है, चाहे वनस्पति का हो चाहे प्राणी का हो, किसी भी प्राणी का, उसको बनाने में छोटे छोटे कोशिकाएं आपस में मिलकर के पूरे शरीर को बनाई हैं। अब बनाई कैसे है इसके विषय में आप लोग जानते होंगे कि पहले क्या होता है, पहले आपका सेल जो सबसे छोटी चीज है, यह सेल जब आपस में मिलती है तो बनता क्या है, आपका टिश्यू बन जाता है, यानी कि ऊतक बन जाता है। कई सेल आपस में मिलकर के टिश्यू बन गए, उसी प्रकार जिस प्रकार से धूल के कण आपस में मिलकर के मिट्टी बन गए, फिर टिश्यू जब आपस में जुड़ते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं,
पिस्तू जब आपस में जुड़ते हैं तो आर्गस बनते हैं, अंग बनते हैं। जैसे कि वो मिट्टी को पानी डाल करके आपने एक में समाहित कर दिया तो गीली मिट्टी हो तैयार हो गई घड़े को बनाने के लिए। अब यही आर्गस जो होते हैं, जो सारे आर्गस एक क्रम में लग जाते हैं तो बॉडी का निर्माण होता है, यानी कि अंग का निर्माण, शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यह सेल जो है स्ट्रक्चरल यूनिट है, इकाई है, शरीर को बनाने की ये क्या है, इकाई है, फंक्शनल यूनिट भी है। अब ये समझिए कि फंक्शनल यूनिट ये कैसे है, फंक्शनल यानी कि जितनी भी क्रियाविधि होती है शरीर में वो सारी क्रियाविधि जो क्रियान्वयन होता है उसका सबसे पहले वह सेल से ही शुरू होता है। जिस प्रकार से एक छोटे से उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं कि हार्ट हमारा है, हार्ट तो दिल क्या है, धड़कता है, तो यह भी जो बना हुआ है यह सबसे पहले एक छोटे से, ये हार्ट क्या है, हमारा अंग है, ये अंग है, यह अंग जो है, यह अंग बना हुआ है किससे, ऊतक से बना है। और जाहिर सी बात है यह ऊतक बना है तो वही सेल से ही बना होगा, तो यह ऊतक इस सेल से बना हुआ है। तो जब हार्ट हमारा धड़क रहा है तो उस धड़कने में एक टिश्यू भी धड़केगा, ये अंग हार्ट है धड़क रहा है तो टिश्यू भी धड़केगा, तो टिश्यू का जो सबसे छोटा पार्ट इस सेल धड़केगा, तो पहली सेल धड़केगा तब ना टिश्यू, पहली सेल में काम होगा फिर टिश्यू में काम होगा फिर आर्गस में काम होगा। इसलिए यह फंक्शनल यूनिट भी है शरीर का। हमारे परिभाषा को आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को पास करके इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। परिभाषा आपका हो गया, फिर डिस्कवरी इसकी आती है कि इसकी खोज किसने की, इसकी खोज किया था 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में, सन आप लोग याद रखिएगा, और नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट हुक। इन्होंने खोज कैसे की थी इसके विषय में थोड़ी चर्चा कर लीजिए और देख लीजिए कि जो बातें हम बोल रहे हैं उसको आप लोग वीडियो पास कर करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया क्या कि कॉर्क की गेंद, मैच आप लोग खेलते होंगे देखे होंगे कि गेंद जो आती है कैनवस वाली नहीं, कैनवस वाली जो बीच में खोखली होती है, कॉर्क की गेंद आती है जो बीच में भी ठोस होती है, तो उस कॉर्क की गेंद को इन्होंने काटा बीच से। काटने के बाद जब उसको माइक्रोस्कोप से इसने देखा, माइक्रोस्कोप से जब रॉबर्ट हुक ने देखा तो उसमें कुछ मधुमक्खी के छत्ते, मधुमक्खी का छत्ता आप लोग देखे होंगे कुछ इस तरह की होती है, ऐसे कुछ इस तरह का दिखाई देता है, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दिया, या फिर ये फोम होता है ना, फोम में देखे होंगे जाली जो बना रहता है, तो उस तरह से जाली उनको दिखाई दिया। तो रॉबर्ट हुक ने क्या कहा कि ये जो जालियां दिखाई दे रही है यही क्या है, कोशिका है। क्यों? क्योंकि यही छोटी छोटी जालियां आपस में मिलकर के पूरे गेंद का निर्माण की है, तो इसलिए यही जो जालियां है ये क्या है, कोशिका है। लेकिन जब रॉबर्ट हुक ने देखा था तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखा माइक्रोस्कोप से उसमें सिर्फ उनको सेल वॉल दिखाई दिया था, उनके द्वारा देखी गई जो चीजें थी वो ये सेल वॉल थी जो देखी गई थी, बाकी का उनमें जो प्रोटोप्लास्ट था वो क्या था, डेड था, डेड प्रोटोप्लास्ट था, वह डेड प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल के से घिरी थी। इसलिए रॉबर्ट हुक के द्वारा जो देखी गई कोशिका थी वो क्या थी, डेड सेल, वो जो सेल थे वो कैसे थे, डेड सेल थे, यानी कि मृत कोशिका थी, वह जीवित कोशिका नहीं थी। हमको जैव शरीर के विषय में अध्ययन करना है तो जाहिर सी बात है हमको जीवित कोशिका की खोज की आवश्यकता है। पुनः वैज्ञानिकों की एक आदत होती है, प्रयोग किसी एक वैज्ञानिक के अंदर प्रयोग किया तो उनके प्रयोग को दोहराते हैं दूसरे वैज्ञानिक, पुनः दूसरे वैज्ञानिक हमारे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन कहीं कहीं एंटोन वॉन लीवेनहॉक भी लिखा रहता है, इसे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, हिंदी में लिखते हैं तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक लिखते हैं, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ये बैक्टीरिया और
कुछ प्रोटोजोवंस पे अपनी खोज कर रहे थे, तो बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोवंस का खोज करते समय इनको जिस प्रकार से रॉबर्ट हुक ने मधुमक्खी के छत्ते देखा था कॉर्क के गेंद में, उस प्रकार की कुछ संरचनाएं दिखाई दी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को। तो जो वो संरचनाएं दिखाई दी उनको, तो इन्होंने कहा कि जो रॉबर्ट हुक ने बताया था ये वही कोशिकाएं हैं, परंतु वे जो कोशिकाएं थी बैक्टीरिया में और प्रोटोजोवंस में वो क्या थी, मोटाइल थी, यानी कि उनमें गमन हो रहा था। तो गमन क्या है कि एक सजीव का लक्षण है, इसलिए क्या है कि इन्होंने क्या कहा कि जो कोशिका दिखाई दे रही है वह जीवित कोशिका है, लिविंग सेल है, जीवित कोशिका है, आपको लिखे हुए पहले से लिविंग सेल है, तो लिविंग सेल ध्यान दीजिएगा, लिविंग सेल जीवित कोशिका की खोज का अगर श्रेय जाता है तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को जाता है, मृत कोशिका की खोज का श्रेय जाता है तो रॉबर्ट हुक को जाता है। ऐसे अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो आप लोग रॉबर्ट हुक को टिक करेंगे, लेकिन अगर कैटेगराइज करके पूछ दिया कि जीवित कोशिका की खोज किसने की तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, और मृत कोशिका की खोज किसने की तो रॉबर्ट हुक को आप लोग डिनोट करेंगे। फिर इनकी खोज तो हो गई, अब खोज होने के बाद ये सेल थ्योरी यानी कि कोशिका का सिद्धांत कि अब ये जो कोशिका क्या है, व्हाट इज द सेल, आपको डेफिनेशन मालूम हो गया, लेकिन ये सिद्धांत किस तरह से काम करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इसका विस्तृत अध्ययन किया स्लाइडन एंड स्वान। स्लाइडन एंड स्वान, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, स्पेलिंग आप लोग बार बार प्रैक्टिस करके लिख करके बार बार कॉपी पर लिखेगा अपने आप आ जाएगा। हिंदी में इनका नाम है स्लाइडन एवं स्वान, स्लाइडन एवं स्वान, स्लाइडन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों ने सेल थ्योरी दिया, कोशिका का सिद्धांत दिया। कोशिका का सिद्धांत इन्होंने ये बताया कि कोशिका जो इसकी डिफिनेशन है उसी डिफिनेशन को ही इसने दिया, इन्होंने दिया कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, कुछ इस प्रकार से ही इन्होंने भी कहा। परंतु एक सेल जो नया सेल बन रहा है, एक नई जो कोशिका बन रही है, वो कोशिका कैसे बन रही है इसको डिफाइन करने में स्लाइडन और स्वान क्या रहे, असमर्थ रहे। इन्होंने ये नहीं बता पाया कि जो नई कोशिका बनी वह कोशिका आखिर कैसे बनी, परंतु स्लाइडन बॉटनिस्ट थे, स्वान जियोलॉजिस्ट थे, स्लाइडन वनस्पति शास्त्री थे और ये जीव विज्ञानी थे स्वान। तो स्लाइडन बॉटनिस्ट और स्वान जियोलॉजिस्ट, स्लाइडन ने अपना प्रयोग बहुत सारे पौधे लिए, बहुत सारे पौधों लिए और पौधों का क्या किया, ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने पर उनको ये देखा स्लाइडन ने देखा कि जो पौधे बने हुए हैं उन पौधों का जो उत्तक बना हुआ है वह छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के ही बना हुआ है, वही पुरानी बात इन्होंने बताई। परंतु स्वान जो है, स्वान जियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, स्वान ने जो प्रयोग किया अपना ये एनिमल सेल पर प्रयोग किया, और न कि सिर्फ एनिमल सेल पर प्रयोग किया, बाकी एनिमल के अलावा इन्होंने प्लांट सेल पर भी कुछ अपना प्रयोग किया, और प्लांट सेल में एक स्पेशल चीज बताई इन्होंने स्वान ने कि जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है जो कि प्लांट सेल का यूनिक फीचर होता है। ये बताया स्वान ने, प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है जो उसका यूनिक फीचर होता है। फिर इन्होंने कुछ एनिमल टिश्यू पर भी काम किया, एनिमल सेल पर भी काम किया, तो एनिमल सेल में इन्होंने बताया कि कोई भी जैव शरीर जो बना हुआ है वो या तो कोशिका से बना है या तो कोशिका के ही उत्पाद से बना है, कोशिका से एवं कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बना हुआ है, इसको स्वान ने बताया।
पुनः, लेकिन दोनों लोग यह बताने में असमर्थ रहे कि नई कोशिका कैसे बनी। इसको बनाया था, इसको एक्सप्लेन किया था रुडोल्फ विर्चो 1855 में। रुडोल्फ विर्चो, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है आप लोगों के एग्जाम्स में, नेट के एग्जाम में, पहले जो CPMT होती थी, एम्स होती थी, उसमें भी आ चुका है। रुडोल्फ विर्चो 1855 में इन्होंने ही बताया कि नई कोशिका की उत्पत्ति होती कैसे है। इन्होंने अपना कथन दिया था, वह कथन ही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने बताया था आलमी सेलुला ई सेलुला, आलमी सेलुला ई सेलुला, रुडोल्फ विर्चो ने कहा आमनी सेलुला ई सेलुला अर्थात नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। कहने का तात्पर्य जो पुरानी कोशिकाएं हैं वह पुरानी कोशिकाएं डिवाइड हो करके वह नई कोशिकाएं बनाती हैं। जैसे कि जब स्पर्म ओवा दोनों फर्टिलाइज होते हैं तो जाइगोट जो बनता है वो जाइगोट क्या है, सिंगल सेल होता है। उस सिंगल सेल में कई डिवीजन होते हैं, क्लीवेज होते हैं, और डिवीजन एंड क्लीवेज होने के बाद मिलियंस ऑफ सेल का निर्माण हो जाता है, और मिलियंस ऑफ सेल मिल करके एक पूरी बॉडी का निर्माण यानी एक बच्चे को जन्म दे देते हैं जिससे पूरी शरीर पूरा शरीर बना होता है। तो इन्होंने, रॉबर्ट विर्चो ने स्पष्ट किया कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं वह प्री एग्जिस्टिंग सेल में डिवाइडेशन होने से, उसमें डिवीजन होने से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। ठीक, ये कोशिका सिद्धांत को इन्होंने स्पष्ट किया। इसके बाद कोशिका की खोज हो गई, कोशिका का डिफिनेशन आपको पता हो गया, कोशिका की खोज हो गई, डेड सेल का खोज किसने किया, लिविंग सेल का खोज किसने किया, सेल थ्योरी किसने दिया, और उसके बाद सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किसने किया, ये सारी चीज आपका हो गया। अब आता है कि काइंड्स ऑफ सेल, सेल कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे अगर इनकी उत्पत्ति के केस में देखा जाए तो सेल मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा शुरू में, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को अध्ययन करेंगे अब अगले वीडियो में।